शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यार मीत नहीं आया, साला सारा ना लेट एंट्री मारेगा। ए फुदिक मीत कहाँ? वहाँ बाहर पर यार। साला आया लेकिन चल हो गया। बिल्कुल मजा नहीं है, चल सरप्राइज दे। बम बम बोले, हरे रामा हरे कृष्णा। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। ना मिली कोई ब्यूटीफुल चिक तो चलेगा कोई भी टॉम हैरी या हाय। आप कौन है भाई साहब? डेस्पो फट्टू, मैं यार मीत। मीत, यू लुक लाइक शिट। ये तुझे क्या हो गया? ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? ये जो लेटेस्ट फैशन होता है उसे तो सारा इंडिया पहनता है, लेकिन जो मीत पहनता है ना वो लेटेस्ट फैशन बन जाता है। अब ये सब बातें छोड़ो, लेट्स हैव सम एंड डू सम चीयर्स यार, कम ऑन। चीयर्स। सो गाइस, हाउज लाइफ? हां क्यों बट्टू, कैसे चल रही है? हनीमून का लाइसेंस अभी वैलिड है या फिर कब का एक्सपायर हो गया है? हो गया यार, जिंदगी और शादी दोनों की गाड़ी बिल्कुल आराम से चल रही है। अरे वाह। और तू डेस्पो, तेरे क्या हाल है? खुश है या फिर अभी खुद खुशी चल रही है? वेरी फनी। देखो गाइस, जू के पिंजरे में कैद बंदर और ज्यादातर शादीशुदा आदमी में कोई फर्क नहीं होता। दोनों गुलाटी चाहे जितनी मारना चाहे, चढ़ने के लिए पिंजरे में एक ही पेड़ होता है बेचारे। तो तू क्या अपनी बीवी के साथ जंगल में रहता है जहाँ पेड़ ही पेड़ हो? अबे नहीं बच्चू, आंचल और मैं तो अपने प्यार के आशियाने में रहते हैं। तू तो मुझे जानता है, लड़की और कड़की मीत का बाल भी मां का नहीं कर सकती। अच्छा तो तेरे बाल ऐसे चप्पट कैसे हो गए? जो इंसान बचपन से पीपल के पेड़ के नीचे के गटर के पास बैठे बिरजू नाई से अपने बाल कटवाता हो ना, उसे क्या मालूम नए हेयर स्टाइल्स के बारे में? हाँ, दिस लुक इज इन ड्यूड्स। यानी कि हर रोज बुफे खाने वाला मीत आज एक ही डिश से खुश है? अरे नहीं यार आंचल, कोई ऐसी वैसी डिश थोड़ी है, वो तो वो विश है जो ऊपर वाले से हर मर्द मांगता है, लेकिन वो देता है सिर्फ कुछ खुश नसीबों को। अरे क्या अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है यार। हाँ, ना रोकना ना टोकना, ना खिटखिट ना खिटपिट, वो मुझे इतना स्पेस देती है, इतना स्पेस देती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ नीचे धरती पर हूँ और वो ऊपर स्पेस में। हेलो जानू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस 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 यू, मिस मी नो जानू, पता नहीं तुम्हारे घर के बाहर चले जाते ही मुझे क्या हो जाता है। लाइफ इज सो शॉर्ट और इस शॉर्ट लाइफ में मैं तुम्हारे चेहरे का एक भी एक्सप्रेशन, तुम्हारे मुंह से निकली एक भी बात, तुम्हारे साथ गुजारा एक भी पल नहीं मिस करना चाहती। आई लव यू सो मच, लव मी नो। फिर से? अभी अभी तो आधे घंटे पहले खाया था ना। आधा घंटा? पता है आधे घंटे में क्या क्या हो जाता है? आधे घंटे में टीवी सीरियल का एक पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है, आधे घंटे में फ्रिज में रखा हुआ पानी बर्फ बन जाता है। आधा घंटा तो क्या, तुमसे आधे सेकंड की भी दूरी मुझे आधा कर देती है जानू। आधा ग्लास पानी देना। अबे झूठा था। Do you love me? I love you. और जोर से कहो ताकि सबको सुनाई दे। हेलो 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 हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बस खुश, बहुत खुश। अब मैं जा सकता हूँ प्लीज? ओके जानू, मैं फिर से फोन करूंगी। हाँ बाय। हेलो मिस मी, ओके ओके बाय। ये नए फोन्स भी ना, रेंज ही नहीं होता यार। अरे तेरा ड्रिंक खत्म हो गया। वेटर रिपीट। सर ये लास्ट ऑर्डर है। क्या? तो एक काम करो, 6 बॉटल और ला दो, क्योंकि आज कोई भी ऑर्डर हमें रात भर पीने से नहीं रोक सकता। राइट राइट। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे,
पढ़ेंगे। प्रेम ये बंद करा यार ये रेडियो को, साला अपना दोस्त है लेकिन कितना बेसुरा गाता है। अरे इतने बरसों के बाद अपने दोस्तों से मिला हूं, आज ये पगली दिल खोल के गाएगी। अबे देख तेरा गाना सुन के मोबाइल भी रोने लगा। हेलो कहाँ हो तुम? चल पता है कितनी देर हो गई है। हेलो 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 नेटवर्क प्रॉब्लम वहाँ बेटर है। यस हेलो हेलो ये पट्टू हेलो ये तो बोल रहा था कि इसकी बीवी उसको बहुत स्पेस देती है तो बार बार फोन क्यों कर रही है। हेलो हेलो हाँ बोलो जानू। हेलो जानू जानू कहाँ हो तुम? मैं यही अमर प्रेम और मीत के साथ में हूँ सच्ची। मैं भी वहाँ आ जाऊँ इसी बहाने उन दोनों से भी मिल लूंगी। नहीं 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 तुम यहाँ मत आना, मैं भी घर आ रहा हूँ जल्दी प्लीज। ओके जानू बट यू लव मी नो? हाँ आई लव यू। यू मिस मी नो? हाँ आई मिस यू। बाय। ओके बाय। ये क्या हो गया तुम्हें आंचल? इज दिस एनी वे टू बिहेव? यही सिखाया मैंने तुम्हें? बार बार इन छोटी बातों के लिए तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? समझाया था ना जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे फोन करके डिस्टर्ब करो। मैं जब तक चाहूँ जितनी देर तक चाहूँ घर से बाहर रहूंगा, अंडरस्टैंड? तुम सो जाओ। मसलून बराबर बनता है साला। क्या सुन नहीं समझेगा यार? मैं बोल रहा हूँ खबरदार अगर दोबारा फोन किया ना। तू इतने देर से हमें बेवकूफ बना रहा था? अपनी बीवी पर ड्रॉप जमाने का झूठा नाटक कर रहा था तो? क्या जरूरत थी ये सब करने की मेरे दोस्त? क्यों मैंने झूठ कहा कि मेरी बीवी मुझे स्पेस देती है? अरे मेरी बीवी तो स्पेस में घूमती है, उस सैटेलाइट की तरह है जो 24 घंटे मेरे सर पर मंड रहती है और मुझ पर नजर रखती है। इतनी बड़ी चिपकू है, इतनी बड़ी चिपकू है कि अगर फेविकॉल वालों ने देख लिया ना तो उसे स्पॉन्सर कर देंगे। हम जब थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमारी दो सीटों के आगे के दो, पीछे के दो, दाएं के दो, बाएं के दो सारी सीटें बुक कर लेती है ताकि गलती से भी कोई खूबसूरत लड़की मेरे पास ना आके बैठे। दोस्त ये जो मेरे चप्पू बाल है ना ये कोई नया स्टाइल नहीं है दोस्त, पीपल के पेड़ के नीचे के गटर के पास बैठे बिरजू ना ही से कटवाए मेरी बीवी ने ताकि मेरी लंबी लटों को देखकर कोई सुंदर लड़की मेरे प्यार में लंबी ना हो जाए। दोस्तों मैं वो बंदर हूं जिसे पिंजरे में ना सिर्फ रखा गया है बल्कि पिंजरे के अंदर के पेड़ से बांधा भी गया है। मत रो यार, तेरी बीवी 24 घंटे कम से कम तेरे पीछे सैटेलाइट की तरह लगी रहती है। मेरी बीवी को शंकर किशन और पवन से टाइम मिले तो मेरे पीछे भागे ना। क्या तेरी बीवी का इन तीनों के साथ अफेयर चल रहा है? अबे नहीं रे, मैं शंकर भगवान किशन कन्हैया और पवन पुत्र हनुमान की बात कर रहा हूँ। उसे छूने के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी मंदिर में खड़ा हूँ घंटा बजा रहा हूँ। तू तो सिर्फ घंटा बजा रहा है पर मेरी बीवी और उसकी बात तो मेरी पूरी पैंट बजाती है। उन दोनों की माँ बेटी की नहीं WWF की जोड़ी है, जिंदगी के अखाड़े में रोज मुझे पटक पटक कर धोती है। आज मैं हम तीनों की हालत देख के समझ गया कि ज्यादातर मर्द ही हार्ट अटैक से क्यों मरते हैं। क्यों? क्योंकि औरतों के पास तो दिल ही नहीं होता। ये बीवियाँ परेशान कर करके हम मर्दों को तो मार ही देती है। हमारी जिंदगी में ना ही कोई मजा है ना ही कोई मस्ती बल्कि एक ऐसी भेलपुरी है जिसमें चटनी नहीं है, एक ऐसी कुल्फी है जिसमें मलाई नहीं, एक ऐसी दाल है जिसमें तड़का नहीं। रोज वही फीकी सूखी बिना स्वाद वाली दाल खाकर मैं थक गया हूँ। आइडिया।
जब भी तेरी आंखों में ये लुक देखता हूँ ना, अरे यार ये फिर से बार हो गया हमको। जब भी तेरी बातें सुनते सारे बाल्टी भर भर के आंसू रोने पड़ते हैं। तो क्या कुछ कम रो रहे क्या? सोचो, एक खूबसूरत लड़की ने गुजरते हुए हमें मुस्कुरा क्या दिया कि हम तीनों सीना तान के खड़े हो गए। लेकिन जरा सोचो, अगर ऐसी कोई लड़की ने मुस्कुराने के बाद हमसे तो प्यारी बातें करती तो क्या होता, हमसे गले लगती तो क्या होता, हमें चुम्मा देती तो क्या होता। तू बोलना क्या चाह रहा है भाई? कि हम सब हफ्ते में सैटरडे संडे बाहर खाना खाने जाते हैं या नहीं? जाते हैं। कभी सोचा है क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि घर का खाना खा खा कर आदमी थक जाता है, उसे भी कभी कभी बाहर की स्पेशल बिरयानी खाने की जरूरत होती है, वरना वही की दाल खा खा कर उसे उस दाल से नफरत होने लगती है। मैं तो कहता हूँ कि हम सब की शादी भी ऐसे ही मोड़ पर है, अगर हमें बाहर की बिरयानी नहीं मिली तो हमें हमारी दाल, मेरा मतलब है हमारी बीवियों से नफरत होने लगेगी। नहीं नहीं नहीं, मतलब कि अगर घर वाली से प्यार और मजा नहीं मिल रहा है तो क्यों ना बाहर वाले को ढूंढ कर पेश किया जाए। Let's have an affair, guys! पागल हो गया ये। अबे सटक गई तेरी। अरे मरवाई का हमको, चल। ए! मैं कहता हूं कि जिंदगी में मस्ती दोबारा लाने का यही एक तरीका है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब अपनी बीवियों से प्यार नहीं करते, don't get me wrong, we love our wives. लेकिन इस वक्त हमें किसी और के प्यार की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि किसी और के साथ अफेयर करने से हम सबकी शादी सुधर जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर मेरी बीवी को पता चला तो मेरी शादी बिगड़ने के लिए रहेगी नहीं। अफेयर? ऐसे कैसे अफेयर कर ले यार? अरे अफेयर करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है, लड़की की। ये तू कह रहा है? मी तू बदलता था यार, था। अरे अब भी कुछ नहीं बदला मेरे दोस्त, तू एक बार मैदान में उतर के तो देख। मैदान में जितने भी मेडन थे ना, सब कूद कूद कर तेरे साथ खेलने आएंगी। क्या बात कर रहा है यार? वैसे प्रेम, तुझे सही कहते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पहली बार जिंदगी में तू सही बोल रहा है। Always. मीत, तू भी पार्टी चेंज। नहीं नहीं, बात तो सुन यार। देख, मैंने सुना है जब एक मर्द अपनी बीवी से बेवफाई करता है ना, तो उसकी गलती का एहसास उसे काटने को दौड़ता है, और उस एहसास की वजह से वो अपनी बीवी से प्यार करने का और उसे खुश रखने की डबल कोशिश करता है। हाँ, और शायद प्रेम की बात मानने से और किसी लड़की के साथ अफेयर करने से हम भी अपनी बीवियों से ज्यादा प्यार करने लगे, यू नो। कितनी कमीनी फिलॉसफी है तुम्हारी यार। बिल्कुल सही फिलॉसफी है। तो आज एक फैसला करते हैं, आज से लेकर अगले एक महीने तक हम लोग घर की दाल नहीं खाएंगे। करेक्ट। और एक ऐसी रेस्टोरेंट ढूंढेंगे जिसमें हमें बिरयानी भी मिले और बोटी भी। यस। और एक महीने के बाद दोबारा मिलकर एक दूसरे को बताएंगे कि हम लोगों ने कितनी बार और कितने मजे से बाहर का खाना खाया। लेकिन अबे क्या लेकिन, तू इतना फट्टू क्यों है रे? कम ऑन अमर, पिंजरे से बाहर निकल और जंगल का राजा बन। राजा तगड़ा है। बिंदिया का फोन। मैं तो बोलता हूँ फोन काट। हाँ अमर, क्या काट दे फोन, वरना ये फोन अगले एक महीने तक तेरे रास्ते का काटा बनकर तुझे चुभेगा। काट। लेकिन कैसे काटू यार? काट मेरे शेर काट। कम ऑन अमर, हिम्मत कर, काट दे फोन। चैन कुली की मैन कुली की चैन, चैन कुली की मैन कुली की चैन, चैन कुली की मैन कुली की चैन।